और अगर आप इस तरह से रिलेट करके बताते हैं बच्चों को कि जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो कच्चा माल होता है जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मटेरियल नाउन्स होते क्या हैं। नेम ऑफ मटेरियल आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड मीन्स मटेरियल जिनसे चीजें बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, प्लास्टिक एक मटेरियल है और उससे बॉटल बनती है। वुड, वुड एक मटेरियल है, उससे चेयर बनती है। गोल्ड एक मटेरियल है, इससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। मिल्क एक मटेरियल है जिससे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कॉटन एक मटेरियल है जिससे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। आयरन एक मटेरियल है जिससे टूल्स बनाए जाते हैं। इसे हम हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, जिसके अंदर इन चीज़ों को हम समझते हैं कि लकड़ी, सोना, दूध, ये सब मटेरियल नाउन है, मतलब ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसे और डिटेल में समझें तो ये नॉर्मली नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब ये मैन मेड नहीं होते हैं, या तो ऑलरेडी ये प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर अवेलेबल होते हैं, या फिर इसे गॉड ने बनाया होता है, हमने नहीं बनाया है, ह्यूमंस ने इसे नहीं बनाया है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसी होती हैं, सारी की सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें ह्यूमन ने नहीं बनाया है। जैसे पेपर, पेपर ह्यूमन ने बनाया है, वो नेचुरल सब्सटेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि पेपर यूज़ किया जाता है नोटबुक को बनाने के लिए या न्यूज़पेपर बनाने के लिए, तो उसे हम मटेरियल नाउन में ही रखते हैं। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो नेचुरल होती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। और दूसरी बात कि जो भी मटेरियल नाउन्स होते हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। उनको बोलने के लिए उनके पीछे हमें कोई तो काउंटेबल यूनिट लगाना पड़ता है, मेजरिंग यूनिट लगाना पड़ता है, डायरेक्टली आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये सारी डिटेल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के वीडियोस में आपको मिल जाएगी, बट यहाँ पर एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं गिव मी अ गोल्ड, गिव मी अ मिल्क, या तो हम बोलेंगे 1 लीटर मिल्क, 1 पैकेट मिल्क, अ पीस ऑफ गोल्ड, अ कॉइन ऑफ गोल्ड, अ बार ऑफ गोल्ड, या फिर अ पीस ऑफ वुड, इस तरह बोला जाता है। इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में ये नहीं आते हैं। अगर आप बच्चों को समझा रहे हैं तो इसे और किस तरह से अच्छी तरह समझाया जा सकता है, तो ये जो मटेरियल नाउन का टॉपिक है नॉर्मली 4th या फिर 5th स्टैंडर्ड में आता है। 4th एंड 5th स्टैंडर्ड तक पहुँचते पहुँचते बच्चों ने ऑलरेडी मटीरियल्स के बारे में पढ़ लिया होता है, EVS या फिर साइंस में या सोशल साइंस में, उन्हें जहाँ पर भी रॉ मटेरियल के बारे में बताया गया है कि इंडस्ट्रीज किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में और प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो आप उनको रिलेट करके बता सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल होते हैं जिनसे न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, हमने इंडस्ट्रीज चैप्टर में पढ़ा था, या इस टाइप का किसी और नाम से चैप्टर होगा EVS में या फिर SS में या फिर साइंस में, तो उससे आप रिलेट करके बता सकते हैं बच्चों को। और अगर आप इस तरह से रिलेट करके बताते हैं बच्चों को कि जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो कच्चा माल होता है जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसे ही हम मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं, तो इस तरह से बच्चे बहुत ईजिली समझ जाते हैं और उनके लिए आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान हो जाता है कि किसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल रिचा मेहता एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे पेज रिचा मेहता एजुकेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।